ये महोदय सम्मानित पटवारी हैं, एक ग्राम पंचायत के पटवारी। क्यों लिखा आप, दारू के नशे में थे जब लिख रहे थे आप? नहीं भैया ऐसा नहीं, चुतो लगा होगा तभी तो आपने लिखा है, या फिर मेरा शकल आपको पसंद नहीं आया, क्या बात है? कोई बात नहीं, गलती हो गई, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ भैया। मैंने फेसबुक में खबर डाला था, खबर में जो है मैंने जानकारी दी थी कि ग्राहक सेवा केंद्रों में किस प्रकार से जो है लूट मची है, इस पर एक व्यक्ति ने कमेंट मारा था मेरे लिए, जबकि उस फेसबुक ग्रुप में कई बड़े छोटे सम्मानित लोग हैं जुड़े हुए हैं, इन्होंने कमेंट मारा कि मैं ऐसे ही खबरें बना करके जो है ब्लैकमेल करता हूँ। ये वही मनोज ध्रुव है, मनोज ध्रुव जी बताइए आपने क्या सोच किया और मैंने किसको ब्लैकमेल किया, ये जरा बताइए तथ्य के साथ। भैया गलती हो गया, मैं हाथ मत लगे माइक को, बताइए भैया प्लीज बंद करिए भैया, निवेदन आपसे। नहीं आपने जो है मेरे प्रति ऐसे हीन भावना दिखाते हुए फेसबुक में 55,000 लोग हैं उसमें, आपने पोस्ट डाला है, हजारों लोग उसमें देखते हैं, आपने कहा मैं ऐसी ही खबरें बना करके लोगों को लूटता हूँ, ब्लैकमेल करता हूँ, तो मुझे कोई एक मामला बताइए जो आपके संज्ञान में है जिसमें मैंने पैसा खाया है या मैंने लोगों को ब्लैकमेल किया, बस एक मामला बताइए आप, और आपने जो है क्यों ऐसा लिखा ये भी जरा बताइए। नहीं नहीं आपने कुछ समझ के कोई तथ्य के आधार पे ही तो मेरे खिलाफ उसमें लिखा होगा, बताइए ना, मैं जानना चाहता हूँ, उन सभी लोगों के लिए मैं बात बोलना चाहता हूँ कि निराधार आरोप अगर आप किसी पे लगाते हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा, और मुझ पे अगर आरोप लगा रहे हैं तो मैं नहीं पहुंचूंगा क्या आप तक, बताइए। नहीं भैया। और ये महोदय सम्मानित पटवारी हैं, एक ग्राम पंचायत के पटवारी हैं, दरभा ब्लॉक में पोस्टिंग है इनकी, और ये भाई साहब कमेंट मारते हैं मुझे कि मैं ब्लैकमेल करता हूँ, जरा बताओ क्या ब्लैकमेल किया, बताओ। मैंने किसको ब्लैकमेल किया? किसी को नहीं किया भैया, जवाब नहीं है अपने पास में। क्यों लिखा आप, दारू के नशे में थे जब लिख रहे थे आप? नहीं भैया ऐसा नहीं, क्या सोच के लिखे जा रहे ये तो बताओ, खबर में ऐसा क्या बुरा लगा आपको, मैं सुधार करूंगा अपनी खबरों में, बताइए आप। कोई बुरा नहीं लगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं अरे बताइए महोदय, कुछ तो लगा होगा तभी तो आपने लिखा है, या फिर मेरा शकल आपको पसंद नहीं आया, क्या बात है? कोई बात नहीं भैया, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या बात है फिर? ऐसा कोई बात नहीं है भैया। अरे बिना दबाव क्या बताइए मुझे कि नहीं, दिलीप गुहा जी आपका ये चीज मुझे पता है, आपने यहाँ से इतने लाख रुपए लूटे हैं, आप इसको ब्लैकमेल कर रहे हैं मेरी जानकारी में, इसलिए मैं आपको लिखा हूँ, बताइए आप। ऐसा कोई जानकारी नहीं है भैया। फिर क्यों 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 मैं जब ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ लोगों के लिए, क्यों मेरा मोरल डाउन करते हैं आप जैसे लोग, क्यों? और आप एक सरकारी पद पे हैं, आप एक कर्मचारी हैं, थोड़ा से भी मतलब उस वक्त मन में नहीं आया कि आप जो है पब्लिकली किसी पत्रकार को कमेंट कर रहे हैं? बताइए मनोज जी, आप बताइए, जवाब देना पड़ेगा आपको, जब आप लिखने की हिम्मत कर सकते हैं तो मेरे सामने आपको बोलना पड़ेगा कि आपने क्या सोच के लिखा है, लोग भी जाने कि ये क्या आरोप लगा रहे हैं, आज साबित हो जाएगा कि मैं किसको ब्लैकमेल कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, इनके पास कुछ तो तथ्य होगा, बताइए आप। नहीं तो कोई तथ्य नहीं है भैया, कोई तथ्य नहीं। आप मेरी खबरें देखते हैं नहीं देखते हैं, मेरे को जानते हैं नहीं जानते हैं, क्या है बताइए? नहीं देखता हूँ, देखने के लिए देखा हूँ, दो पोस्ट देखा हूँ आपका मैंने। तो आपने जो पोस्ट देखा है, जो खबर चल गई है, मैंने उस पर पैसा लिया है किसी से, किसी से डिमांड किया मैंने, या फिर नानगुर तहसील का खबर चलाया था आपने उसको देखा था, क्या देखा था आपने, ऐसा क्या लगा कि मैंने यहाँ किसी को ब्लैकमेल किया है, क्योंकि मैं खबर बनाने के बाद कहीं ज्यादा देर तो रुकता हूँ नहीं, है ना, बताइए। नहीं ऐसे कोई जानकारी नहीं है, नहीं है जानकारी, तो क्या सोच के लिखे, बस इतना आप एक्सप्लेन कर दो, फिर आप जा सकते हैं यहाँ से, हम जाएंगे अपने काम पे, बस इतना बता दो, हमारे दर्शकों को ये बता दो कि आपने क्या सोच के लिखा, क्या मानसिकता थी उस वक्त आपकी, क्या बुरा लगा आपको देख करके उस खबर में? नहीं कुछ बुरा नहीं लगा भैया, लगने के लिए मैं वो गलती बस चला गया, मैं यही से क्षमा चाहता हूँ आपसे। देखिए 8-10 शब्दों का जो है लेख लिखना वो गलती से नहीं चला जाता है महोदय, आप शराब का सेवन किए हुए थे क्या उस वक्त, जो आपने मतलब शराब के नशे में लिख दिया, माफ कर दो मुझे ऐसा बोल रहे हैं? नहीं भैया ऐसा नहीं। क्या है बताइए, कहाँ पोस्टिंग है आपकी? दरभा में। कहाँ है? सीतापुर में। सीतापुर में है, तो सीतापुर के ये पटवारी साहब जो है अभी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन पब्लिकली कमेंट इन्होंने मार दिया है, साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो स्क्रीन के नीचे आप देख सकते हैं इन्होंने क्या जो है लिखा है, ये जो स्क्रीन के नीचे दिख रहा है ये इन्होंने लिखा हुआ है कि ऐसे ही वीडियो बना के मैं लोगों को ब्लैकमेल करता हूँ, और अब हमारे सामने है ये बोल नहीं पा रहे हैं लिखने के बाद, सही है तो डरना किस बात का, बताइए कुछ है तो तथ्य है? नहीं है तथ्य है, बिना तथ्य के बात की आपने, गलती हो गई, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ भैया।
नहीं ऐसा ऐसा क्या मतलब कुछ तो मन में आया होगा, बताइए मैं सुधार करूंगा, मैं सीखता हूँ मैं सुधार करूंगा, बताइए। वैसा कोई बात नहीं है भैया, वैसा कोई ये नहीं, ऐसा कुछ लिखने से पहले नहीं सोचे एक बार। उन सभी लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा, मैं जो है जनता के लिए काम कर रहा हूँ, और ऐसे में कोई मेरा मोरल डाउन करने का कोशिश करेगा तो उनकी भी खबर चलेगी, जैसे को तैसा होगा।